चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में 29 जनवरी को कॉलेज प्रबंधक जितेंद्र द्विवेदी के यहां हुई चोरी का पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया। इस चोरी में महंगे कपड़े व लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन दो नाबालिग सहित छह चोरों को पुलिस ने चोरी के माल व नकदी सहित गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, जितेंद्र द्विवेदी राजापुर कस्बे में इंटर कॉलेज चलाते हैं और उनके पास इंटर कॉलेज के बच्चों की 11,60,000 रुपये फीस जमा थी, जो कि घर में ही रखी हुई थी, जिसे चोरों ने आवास की ग्रिल तोड़कर गहनों सहित चोरी कर लिया था। इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड एक नाबालिग लड़का है, जिसने चोरी के लिए कस्बे के ही दो लोगों को चोरी करने के लिए तैयार किया था, लेकिन उन लोगों ने जेल जाने के डर से नाबालिग का साथ देने से इनकार कर दिया था। चोरी की घटना के बाद इन शातिर बदमाशों ने उन लोगों को जान से मारने की योजना भी बनाई थी, लेकिन समय के रहते इस चोरी का खुलासा हो गया और सभी शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिसमें चोरी किए गए माल को पुलिस ने बरामद भी कर लिया और दो नाबालिग सहित छह लोगों की गिरफ्तारी में दो लोगों को जान से मारने की योजना का भी खुलासा हुआ। 1 2023 की रात को श्री जितेंद्र द्विवेदी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जितेंद्र इंटर कॉलेज के, उनके घर से ये चोरी हुई थी। लगभग 11,60,000 रुपये, 620 ग्राम पीली धातु और 2 किलो 80 ग्राम सफ़ेद धातु की, और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की फ़ीस कलेक्ट करके अपने घर पे रखी हुई थी, उसी की चोरी हुई थी। और आज 2 तारीख को 72 घंटे से कम के अंदर अंदर पुलिस द्वारा इसका पूरा खुलासा कर दिया गया है। इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक जो बाल अपचारी है प्रशांत, उसके द्वारा पूरी ये योजना तैयार की गई थी। ये वहीं का निवासी है और इसको जानकारी थी कि उनके घर में इतना पैसा और इतने जेवरात हैं, और इसी ने इस गैंग को इकट्ठा किया, इनको तैयार किया। और ये लोग जब उस परिवार का कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, वो सभी लोग घर से बाहर थे और परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान 4 घंटे के अंदर ये घटना कारित की है और ये सब ग्रिल तोड़ के, उनके घर के पीछे से दरवाज़ा तोड़ के ये सब सामान चुरा के ले गए थे। और हमारी थाना राजापुर की टीम और स्वाट टीम, सर्वेलेंस टीम ने मिल के इसका खुलासा किया है और 6 के 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। 11,35,000 रुपए की बरामद भी, और जेवरात पूरे के पूरे जितने गए थे सभी की बरामद भी हो गई है। इस सारे सामान की टोटल वैल्यू लगभग 36 लाख के करीब है। और इसमें जो उल्लेखनीय बात है कि ये और भरी घटना कारित करने वाले थे, इन्होंने पूर्व में 2 लोगों को, अन्य को अपने साथ गैंग में शामिल होने के लिए कहा था, जो बाद में बैकआउट हो गए थे। तो इस गैंग को ये डर था कि कहीं वो टूट ना जाएं और पुलिस को बताना दे कि हम लोग इसमें शामिल हैं, तो उनका मर्डर करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 5 देसी तमंचे और लाइफ कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो इन्होंने ही दिखाए कि कहाँ इन्होंने छुपा के रखे हुए थे। तो बहुत समयबद्ध रूप से गिरफ्तारी हो गई है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि इसमें 2 बाल अपचारी हैं, पर एक जो बाल अपचारी है उसी ने सारी योजना तैयार करके घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाया है। इसीलिए हमारी जुवेनाइल बोर्ड से ये प्रेयर रहेगी कि उनके विवेकानुसार इसको एडल्ट कोर्ट में एज एन एडल्ट ट्राई करने पर गौर करें। अपराधी किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया हुआ क्या? अपराधी 2 तो बाल अपचारी हैं, लेकिन ये भी छोटी मोटी घटनाएं उस एरिया में करते आ रहे हैं, पूर्व में भी छेड़छाड़ की, चोरी की। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 4 एडल्ट्स हैं वो प्रोफेशनल चोर हैं और उन्होंने पूर्व में भी घटनाएं की हैं। उनके आपराधिक इतिहास का हम अभी गहनता से पता लगा रहे हैं। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।